हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि यह क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। इसको कहते हैं चतुर्भुज। एक जो शेप है, अगर उसकी चार भुजाएं हों तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी तरह की भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। यह होता है वर्ग, जिसकी चार भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वह बन जाता है, यह स्केल है, यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो बाकी जो चीजें होती हैं क्वाड्रिलेटरल होती हैं, चतुर्भुज होते हैं। अब चतुर्भुज में अलग-अलग कोण है। इन कोणों का जो टोटल है, एंगल्स का टोटल है, वो 360 डिग्री होता है। अब अगर हमें रेशियो दी गई है तो हम कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, कॉमन फैक्टर मान लीजिए एक्स है। अगर एक्स 10 डिग्री है तो ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री होगा। तो हमने इस एक्स को कैलकुलेट करना है, यानी एंगल्स क्या हैं। एंगल्स हैं 5x और ये आ गया इसका 7x और ये 8x और ये 10x। अगर हम इसका टोटल करें, 5x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 10x, तो ये होता है 360 डिग्री। चाहे यह है, चाहे यह है, यह है, यह है। क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल है चार एंगल्स का, ये 360 डिग्री है। तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, 5 एंड 12, 12 और 8 आ गए आपके 20 और 30, 30x ये 360 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी, कट गया 1 2, ये 12 है। अब इसका कैलकुलेट आ गया, फर्स्ट एंगल आ गया आपका 5 इंटू x, मीन्स 5 इंटू 12, और ये आ गया 60 डिग्री। सेकेंड एंगल है जो, वो है 7 इंटू 12, ये आ गया 84 डिग्री। थर्ड एंगल है 8 इंटू 12, 6 96। एंड फोर्थ एंगल इज 10 इंटू 12, 120 डिग्री। 60 डिग्री, 84 डिग्री, 96 डिग्री और 120 डिग्री को अगर टोटल किया जाए तो यह है, बनता है हमारा 360 डिग्री। ये मान लो कि आपका 120 डिग्री हो, ये 96 डिग्री हो और ये आपका 60 डिग्री हो, ये आपका 84 डिग्री बनेगा। इस तरह से यह शेप बनेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।